सुपौल ज़िला। एक महीना के लिए हम लोग काम करने के लिए यहाँ आए थे, लॉकडाउन हुआ उसके दरमियान हम लोग फंस गए। उसके बाद जैसे सरकार से हम लोग व्यवस्था के लिए मांग किए तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। उसके बाद जब लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग बहुत प्रयास किए, डीएम के पास भी, यहाँ भी, एडीएम के पास भी, कोई हम लोग का नहीं सुना। उसके बाद जब फिर पता चला कि यहाँ तलाकी के पास पैसा मांग रहा है तो हम लोग पता किए तो हमको फ़ोन आया उधर से कि 750 रुपया जमा कीजिए। तो हम लोग 750 रुपया 57 आदमी का जोड़ के 42,750 हुआ, लेके गए, जमा किए। वो बोला 2 दिन बाद तुम लोग को जो है यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसको आज लगभग 11 दिन हो रहा है, 4 तारीख को पैसा जमा किया, अभी तक उसके बाद 2 दिन फ़ोन किए तो मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा। कल गए तो कल भी बोल रहा कि 2 दिन के बाद तुम्हारे लिए सोचा जाएगा। खाने पीने के लिए हम लोग जितना कमाए थे खा गए, कुछ सेट दिया खाने पीने के लिए, वो व्यवस्था किया खाने पीने के लिए, सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिला, नहीं गुजरात सरकार दिया, नहीं बिहार सरकार दिया। बिहार सरकार बोल रहा है कि हम जो जहाँ है वहीं व्यवस्था करेंगे, खाना पीना का सब कुछ करेंगे। 1.5 महीना से हम लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं, उसमें सेट दिया है पैसा कुछ खाने पीने के लिए, बस हो गया। संजीत कुमार मंडल, हम बिहार से हैं और हम लोग यहाँ मजदूर हैं, यहाँ पचपटी कोल स्टोर में काम कर रहे हैं। और यहाँ का तलाकी जो हम लोग, बिहार सरकार बोला था कि किसी से भाड़ा नहीं लेंगे, फिर हम लोग यहाँ से 750 रुपया लिया है। हम लोग 57 आदमी हैं तो 42,750 रुपया जमा किए हैं। तो वहाँ से हम लोग पूछते तो बोलता कभी भी टाइम आ सकता, आ जाएगा, कल आएगा। इसीलिए हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पर परेशानी हो रहा है यहाँ पर। फिर भी बोला था किराया नहीं लेंगे तो फिर भी किराया लिया।